हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 74th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, वो लोग जो जिम में वेट लिफ्ट करते हैं या फिर वो लोग जो सारा दिन घर पर बैठे रहते हैं, चाहे बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, हर किसी को एक डेली रिकमेंडेड प्रोटीन की जरूरत होती है। इसका सिंपल सा कारण ये है कि प्रोटीन सिर्फ मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे बहुत से बॉडी फंक्शन के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे टिश्यू को रिपेयर और रीग्रो करने के लिए, हमारे मसल और जॉइंट के साथ साथ इन्फेक्शन से फाइट करने और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स के बहुत सारे फंक्शंस और डैमेज सेल को नष्ट करके नए सेल बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बॉडी बिल्डर को प्रोटीन की कहीं ज्यादा नीड होगी, बजाय कि एक वो इंसान के जो बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है। एक कॉमन मेल या फीमेल की एक दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों 73% इंडियन लैक इन प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन, ये सब जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 प्रोटीन रिच फूड सोर्सेज की, जिन्हें आप अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है सोयाबीन। बॉइल्ड फॉर्म में हर 100 ग्राम सोयाबीन में तकरीबन 15 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। वहीं सोयाबीन के रॉ फॉर्म में प्रोटीन का पोर्शन होता है 52 ग्राम्स। आप अलग अलग फॉर्म में सोए प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, जैसे सोए आटा, सोए चंक एंड इवन सोए मिल्क। प्रोटीन के अलावा सोए हैव एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स व्हिच आर लिंक्ड टू लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है लेंटिस, यानी दालें। प्रोटीन की बात करें तो हर 100 ग्राम दाल में हमें 12 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। दाल हमारे इंडियन कुजीन और मील का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडियन किचन में हर दूसरे दिन हम दालों को खाते हैं, जैसे मूंग दाल, उड़द दाल या फिर मसूर की दाल। प्रोटीन के अलावा दालें रिच सोर्स भी हैं फाइबर की। इसमें नायासीन और थायामीन जैसे विटामिन बी मौजूद होते हैं, जो हमारे ब्लड सेल और नर्व हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट प्रोटीन रिच फूड सोर्स है सीड्स, जैसे चिया सीड, पम्पकिन सीड एंड फ्लैक्स सीड। इन सीड्स में हर 100 ग्राम में 25 ग्राम तक प्रोटीन होता है, लेकिन क्योंकि एक सर्विंग साइज तकरीबन एक हैंडफुल नट्स की होती है, जिसमें 9 ग्राम तक प्रोटीन मौजूद होता है। ये सीड हमारे डाइजेशन और टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को भी रिड्यूस करते हैं। चौथे नंबर पर आता है टोफू। हर 100 ग्राम टोफू से आपको मिल सकता है 8 ग्राम तक प्रोटीन। टोफू की खोज चाइना में हुई थी, जो कि एक कंडेंसेशन फॉर्म है सोए मिल्क की। इट इज पैक्ड विद विटामिन B6 एंड ऑल्सो लोडेड विद लॉट ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड इवन फोलेट। पांचवे नंबर पर आते हैं हमारे बादाम या आमंड। वी कैन गेट 19 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम सर्विंग और अबाउट 7 ग्राम प्रोटीन इन हैंडफुल ऑफ आमंड्स। बादाम एक बहुत ही अच्छा फूड सोर्स है हाई प्रोटीन और लो कार्ब का, यानी इसमें प्रोटीन टू कार्ब रेशियो बाकी फूड्स के कंपैरेटिवली काफी अच्छी है। जहां आमंड्स आर फिल्ड विद हाई मोनोसैचुरेटेड फैट व्हिच आर हेल्दी एंड आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट। आमंड्स आर इवन गुड इन विटामिन ई एंड कैल्शियम व्हिच इज एक्सीलेंट फॉर योर स्किन एंड बोन्स। बादाम का रूटीन इनटेक ना ही आपको एक ग्लोइंग स्किन देगा, बल्कि मिड एज या ओल्ड एज में वीक बोन्स या ऑस्टियोपोरोसिस से भी आप बच सकेंगे। लिस्ट में नंबर 6 पर है काबुली चना या फिर चिकपीस। ईच 100 ग्राम ऑफ बॉइल्ड काबुली चना हैज 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन इट। इट ऑल्सो हेल्प्स कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल एंड आर वंडरफुल फॉर डाइजेशन। जहाँ इसमें मौजूद कैल्शियम हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वहीं इसका हाई फाइबर हमारी गट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखता है। नंबर 7 पे है रेड किडनी बीन या फिर राजमा। ईच 100 ग्राम ऑफ सोक्ड एंड बॉइल्ड राजमा हैव अराउंड 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन इट। राजमा एक तरह का लेग्यूम है विच इज पॉपुलर इन सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको एंड इवन इन इंडिया। राजमा एक बहुत उम्दा और रिच सोर्स है प्लांट प्रोटीन का। प्रोटीन के साथ साथ राजमा कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट में रिच है, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और फोलेट। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट से ब्लड सेल की प्रोडक्शन और नए हेल्थ टिश्यू की ग्रोथ में ये आपकी हेल्प करता है। नंबर 8 इन द लिस्ट इज ग्रीन पीस या हरे मटर। मटर में 5.5 ग्राम प्रोटीन मौजूद है हर 100 ग्राम की रॉ सर्विंग में। बाकी सभी वेजिटेबल के कंपैरेटिवली मटर में कहीं ज्यादा प्रोटीन कंटेंट मौजूद है, इसलिए इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। जहां विटामिन K और विटामिन B के साथ साथ ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स
इंडेक्स के कारण। ये इंसुलिन स्पाइक नहीं करता और एक्सीलेंट फूड सोर्स है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। दोस्तों नंबर 9 पर है ब्रोकली, जो कि एक फूल गोभी या फिर कैबेज है। ब्रोकली में हर 100 ग्राम में 3 ग्राम तक प्रोटीन होता है। इसे रॉ और कुक्ड फॉर्म दोनों ही तरह से खाया जा सकता है। ब्रोकली एक वंडर फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है एंड इट कीप्स योर इंसुलिन इन चेक। दैट इज व्हाई इट इज ग्रेट टू हैव फॉर वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट। आखिरी और नंबर 10 पर है स्पिनच, यानी पालक। पालक में 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है हर 100 ग्राम की सर्विंग से। पालक फोलेट और कैल्शियम के साथ साथ विटामिन सी और विटामिन के का भी बेहतरीन सोर्स है। विटामिन के हमारे खून में क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करके किसी इंजरी के चलते एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से भी बचाता है। दोस्तों ये थे टॉप 10 वेज प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स जिन्हें आप अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर डजंस ऑफ हेल्थ बेनिफिट एंड इवन वेट लॉस। ऐसे ही नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज की लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।